और गाइज ये देख सकते हो डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है देखने में। सच में यार मंदिर काफी अच्छा था और काफी खूबसूरत था। आइए एक बार जरूर देखिए इस मंदिर को। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइज आज मैं आया था नौलखा मंदिर राजगीर का, और देख सकते हैं ये है गाइज नौलखा मंदिर, और जस्ट इसके सामने देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं सब आसपास में सब घर है। तो चलिए गाइज आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। गाइज ये देख सकते हैं ये है एंट्री गेट, अभी यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और गाइज मैं एंट्री कर चुका हूँ, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ले चलते हैं श्री जैन श्वेतंबर कोठी। तो चलिए चलकर दिखाते हैं क्या है इसके अंदर में। फाइनली गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, चलिए अंदर चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर में। तो गाइज देख सकते हैं काफी प्यारा है और काफी अच्छा बनाया गया है और काफी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं गाइज पीने के लिए पानी है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और गाइज ये देख सकते हैं ये जो है ना, कोई भी पैसा जो दान किया है ना इस मंदिर पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, और कब दान किया गया देख सकते हैं सब, मतलब डेट भी दिया गया है। और चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। और ये भी जो है ना व्हाइट में लिखा हुआ, ये जो है ना 5000 का नीचे जो दिया है ना पैसा, देखिए 5000 एक से दिया है उसका, ये व्हाइट में है, मतलब 10000 से जो भी नीचे दिया पैसा वो व्हाइट में, और जो 10000 से ऊपर दिया वो ब्लैक में। और बहुत सारे लोग दान किए यहाँ, और काफी प्यारा बनाया गया है। और देख सकते ये मठ काफी अच्छा लग रहा है, झोपड़ी है। और गाइज देख सकते हैं यहाँ पर भोजनालय के लिए, यहाँ पर भोजन के लिए भी व्यवस्था है। और वहाँ पर गाइज देख सकते हैं वहाँ पर से 60 रुपए का कूपन कटाना पड़ता है, और यहाँ पर आकर के भोजन लेकर के आप लोग यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। और काफी अच्छा जगह देख सकते हैं, और काफी प्यारा लग रहा है। और एलिवेस्टर देखिए काफी अच्छा सजाया गया है इस जगह को, तो और पंखा भी काफी अच्छा लगाया गया है। तो चलते हैं, हम लोग काफी दूर से आए तो थोड़ा थक गए, चलते बैठते हैं आराम करते हैं। और गाइज देख सकते हैं गार्डन काफी अच्छा से सजाया गया है यहाँ पर, और काफी प्यारा व्यू एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और देख सकते हैं यहाँ पर वाटरफॉल भी है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और गाइज काफी छोटा जगह है इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं इस मंदिर को, और बहुत सारे बिहार में ऐसे लोग हैं जिनको ये मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं है। और काफी अच्छा मंदिर है देख सकते हैं, चलिए आप लोगों को आगे चलकर दिखाते हैं और मंदिर में ले चलते हैं आप लोगों को। ले गाइज आप लोगों को ऊपर लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। और ये सब डिजाइन देखिए गाइज काफी प्यारा लग रहा है, और काफी अच्छा सजाया गया, काफी मेहनत लगा है देख सकते हैं। डिजाइन बनाने में काफी मेहनत लगा है। सच में यार मंदिर काफी अच्छा था और काफी खूबसूरत था। आइए एक बार जरूर देखिए इस मंदिर को, और काफी अच्छा लगा देख करके इस मंदिर को, और डिजाइन काफी खूबसूरत बनाया गया है। और उस जमाने का 9 लाख रुपया काफी रकम होता है, जमाने में अगर कोई बनाएगा ना तो काफी पैसा लग जाएगा। और मंदिर काफी बेस्ट और काफी खूबसूरत है।
गाइस डिजाइन देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बनाया गया। देखिए डिजाइन आगे चलकर आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस ये देख सकते हैं डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और काफी मेहनत किया गया है डिजाइन बनाने में। और देख सकते हैं नीचे भी डिजाइन। और गाइज मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा ने बोले कि जाओ यहाँ पर ब्लॉग बनाओ, तो आए। तो देखे गाइज काफ़ी प्यारा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आकर। और भैया भी मेरे साथ आए, तो भैया आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा मंदिर है जो 1961 में बना था, नौला कुछ समय महत्व रखता है। और गाइज 1961 में ये मंदिर का निर्माण हुआ, और काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और 1961 में 9 लाख काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी तो इस मंदिर को बनाने में काफ़ी अच्छा पैसा लग जाएगा ना। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, अच्छा लगा आकर के। और चलिए गाइज इस तरफ ले चलते हैं आप लोगों को मंदिर के, चलते नीचे और चलते उस तरफ। और देख सकते हैं गाइज इधर का डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है इधर भी, और ये देख सकते हैं इधर भी गार्डन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं डिज़ाइन गाइज काफ़ी अच्छा सजाया गया और काफ़ी प्यारा लग रहा है, और ये सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। और गाइज इधर भी एक गेट है, बट ये अभी जो है ना बंद हो रखा है, तो कब खुलता है बट पता नहीं, हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं तो पता नहीं चल रहा। और चलिए आगे लेकर चलते हैं। और गाइज काफ़ी गर्मी है, पैर जल रहा है। और गार्डन देख सकते हैं गाइज, और मंदिर को देखे गाइज काफ़ी प्यारा लग रहा है मंदिर। मंदिर देखने में तो एकदम खूबसूरत ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम आकर एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं इस मंदिर के बारे में, एकदम डिजाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत। पहले ज़माना का कुछ और ही तजुर्बा रहता था गाइज, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर। और गाइज बगल में एक और मंदिर है, चलिए उसमें लेकर चलते हैं। एक ये मंदिर है और एक वो मंदिर है, तो चलिए दोनों में आप लोगों को लेकर चलते हैं। और काफी प्यारा लग रहा है वो भी मंदिर, तो चलते हैं देखते हैं अंदर में क्या है और किन की मूर्तियां हैं। और गाइज ये भी देखिए काफी प्यारा सजाया गया। और गाइज श्री जिनदत्त सूरी दादावाड़ी काफी, चलिए अंदर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं श्री जिनदत्त सूरी दादावाड़ी। और गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, और गाइज ये देख सकते हैं जिनदत्त सूरी भगवान जी हैं। और गाइज देख सकते हैं ये काल भैरव भगवान जी है, और गाइज ये देख सकते हैं पद्मावती देवी जी हैं, और गाइज देख सकते हैं नकोड़ा भैरव जी हैं, और गाइज देख सकते हैं गोरा भैरव भगवान जी। और काफी अच्छा लग रहा है देखने में और काफी प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और गाइज देख सकते हैं इस गुफा में महावीर भगवान की मूर्तियां हैं, और काफ़ी अच्छा है। और अंदर में शीशा का डिजाइन दिया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और देख सकते हैं गाइज काफ़ी प्यारा है।
अगर मैं आप लोगों को हो सके तो मैं दिखाऊंगा कैमरा में अंदर चलकर, बट अलाउ नहीं है कैमरा, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है कैमरा। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।